अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ दिलनवाज़। आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। नाजरीन, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा गया था खुरूज नहाई एक्सपायर वाले पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, और उसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल तफसील दी थी। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में ये कहा, जी हम एयरपोर्ट से वापस आ गए हैं, हमें नहीं भेजा गया। वो मुकम्मल मैंने तफसील बताई थी, लेकिन आज फिर मैं उसी वीडियो के ऊपर एक वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें जैसा थंबनेल मेरा आप देख चुके होंगे, जिस पर लिखा हुआ है खुरूज नहाई वाले पाकिस्तान पहुंच गए। तो जी नाजरीन, जिनका खुरूज नहाई ख़त्म हुआ था वो पाकिस्तान पहुंच गए, उनका कोरोना टेस्ट लिया गया या नहीं लिया गया, या उनके बारे में किस एयरपोर्ट से आए हैं, किस एयरपोर्ट पर आएंगे, और वहाँ एयरपोर्ट पे क्या सवाल जवाब हुआ, डिस्कस करूँगा आज की इस वीडियो में। लेकिन आज मेरे जो अफराद मुझे देख रहे हैं, मेरे अगर व्यूज़ देखो, व्यूज़ तो हज़ारों में चले जाते हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। देखने वाले नजरिन से आज मैं स्पेशल गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी मेरी वीडियो के नीचे सुर्ख कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ मौजूद घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरी इसके बाद भी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे बजरिया नोटिफिकेशन। नजरिन, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए, और आपका यही हमारे साथ तावन है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और वीडियो शुरू करते हैं नजरीन। आज जो फ़्लाइट आ रही है रियाज से इस्लामाबाद, जिसमें मैं कल वीडियो बना चुका हूं, और जिन जिन लोगों ने एतराज़ किया था उनके लिए दोबारा ये वीडियो बना रहा हूं, और उन लोगों के लिए ये बताऊंगा कि एयरपोर्ट पे आपको किन मराइल से गुजरना पड़ता है। मेरे साथ एक दोस्त थे, कल वाले दोस्त मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी है और वॉइस मैसेज भी भेजे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, जी हमारा जो था खुरूज नहाई पिछली 15 तारीख का एक्सपायर हुआ था, जिसकी स्क्रीनशॉट मैंने कल वाली वीडियो में लगा दी थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप कल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं। पिछले 15 तारीख का एक्सपायर हुआ हुआ, आज वो फ़्लाई कर रहे थे, उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पर मुझे किसी ने नहीं पूछा। मैंने इनसे एक और सवाल किया, आपके साथ और कितने अफराद थे जिनका खुरूज नहाई एक्सपायर हुआ हुआ था? जवाब में इन्होंने कहा जी मेरे साथ पाकिस्तानियों का तो मुझे नहीं पता, मेरे साथ मिस्र के 2 अफराद थे जिनका खुरूज नहाई एक्सपायर था, और उनको भी स्टैंप करके अप्रूवल दे दी गई। ये मेरी उनसे बात हुई जिस वक्त वो एयरपोर्ट पे क्लियर किए जा चुके थे। इसके बाद मैंने इनसे एक सवाल किया कि आपका कोरोना टेस्ट के बारे में क्या हुआ, आपका कोरोना टेस्ट हुआ नहीं हुआ, जेंट ने किया एयरपोर्ट पर पिक किया? तो इन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई हमारा टेस्ट नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंस वगैरह भी नहीं रखा गया था। फिर मैंने पता किया कि जहाज़ के हवाले से क्या सऊदी एयरलाइन या PAE के अलावा भी कोई जहाज़ है? उन्होंने कहा कि फ़्लाई दुबई भी आया है थोड़ी देर पहले, एमरेट्स एयरलाइन ने भी रियाज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है, तो वो फिर दोबारा गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद ये पहुँचेगी तो उनकी सबसे पहले मैं आपको वीडियो क्लिप साथ शामिल कर देता हूँ, ताकि आपके लिए तसल्ली हो सके, और एयरपोर्ट की वीडियो भी है जो आप देखें, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। कोई कुछ नहीं इधर चेक किया यार, कोई और मतलब टेम्परेचर चेक करते हैं ना, दर्जा आ रहा वो भी नहीं, इधर सिस्टम चेक किया उन्होंने तो बस उधर फिंगर लिए स्टैंप लगाए हैं खलास जाओ, और कोई टेंशन नहीं बनाया किसी किस्म का इधर तो। सब लोग हैं एक दूसरे के नज़दीक बैठे हैं, किसी किस्म का टेंशन नहीं है, ठीक है। ये जहाज़ खड़ा भाई, ये जहाज में हम बैठेंगे, अल्लाह खैर करे, अभी थोड़ी देर के अंदर काउंटर बोर्डिंग कार्ड वाला ये खुल गया है, इधर से बोर्डिंग कार्ड ये रिसीव करेगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला ये सब लाइन खड़ी है सारी जहाज में बैठने के लिए, और जहाज सऊदी एयरलाइन का खड़ा उसमें बैठेंगे, सब लोग बैठे हैं हज़ार, किसी का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, हमें नहीं पता चला किधर स्क्रीनिंग हुआ, बस उन्होंने स्टैंप लाए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं इधर बनाई, ठीक है। किसी किस्म का कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया, ठीक है। इधर यार आगे हमने देखा फ्लाई दुबई का भी जहाज इधर से चला गया है, अभी एमरेट एयरलाइन का भी इधर आया जहाज, ये मसर को सऊदी एयरलाइन जा रहा है, वो 11:30 बजे PAE भी जाएगा।
जी नजरीन, आपने वीडियो क्लिप देखे जिसमें साफ भाई कह रहे हैं कि हमारा किसी जगह कोई कोरोना टेस्ट नहीं किया गया, कोई टेम्परेचर वगैरह चेक नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं रखा गया था, हमें जुर्माना भी नहीं किया गया। उन्होंने अपना जहाज़ भी दिखाया कि जिस जहाज़ में हम थोड़ी देर में बैठने वाले हैं। यकीनन अब आपके पास किसी किस्म के सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बची होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है जो मुझसे आप पूछना चाहते हो, तो मैं आपके सवालों का जवाब देने का पाबंद हूँ। लेकिन नजरीन फिर वही गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब करने की अभी अशद ज़रूरत है। मुझे दें मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, और इसी तरह प्यार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।